छोटी मोटी हस्ती नहीं है वीरेंद्र जी। अबू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई वीरेंद्र जी, मेरे आदरणीय महासंघ जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई राज सिंह जी चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई जितेंद्र सिंह जी, भाई विजय सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता भाई सुनील जी मोदी और हमारे शिक्षा विभाग के अध्यक्ष, व्यक्ति के डिपार्टमेंट में, जिस व्यक्ति के डिपार्टमेंट में मात्र 37 पद है वो 68,000 लोगों के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। ये उन साथियों को, उन लोगों को सोचने का विषय है जो किसी भी आदेश को जारी होने के बाद उसका कैलकुलेशन स्वयं से लगाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरे सामने अगर सबसे बड़ा ऐसा कोई उदाहरण है जो दूसरों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है तो वो मुकेश मुद्गल है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। साथियों, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं द्वारा आपको इस उपलब्धि के बारे में बताया गया, मैं आपको इससे पीछे लेके जाना चाहता हूँ और यहाँ बहुत से मेरे वरिष्ठ साथी यहाँ विराजे हुए हैं, खड़े हैं। आज जब 2013 में ये संघर्ष शुरू हुआ था तब राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारियों की स्थिति ये थी कि हम पदोन्नति का पद लेना, पदोन्नति होने पर उस पदोन्नति को लेना पसंद नहीं करते थे और इसको हम फॉरगो करते थे। मैं राजस्थान के 500 केस आपके सामने ऐसे रख सकता हूँ जो UDC पे फॉरगो हो गए और आज आके ये कहते हैं कि उस दिन हमें ये पता होता कि ऐसी परिस्थितियां करवट बदलेगी तो हम किसी भी सूरत में पदोन्नति का परित्याग नहीं करते। उस जमाने में 2013 को गए हुए कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, मात्र 8 साल 9 साल का समय हुआ है और 9 साल के अंदर जहां राजस्थान के अंदर मात्र ओए के पद पूरे 137 डिपार्टमेंटों में मिलाकर 2,400 हुआ करते थे और ओएस के पद 550 हुआ करते थे, राजपत्रित का तो सपना तक नहीं था। ये इस संघर्ष, 9 साल के संघर्ष की परिणति है कि आज इस कैडर के अंदर जब मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो 68,000 लोगों में 20,000 पदोन्नति के अवसर हैं।